नमस्कार, पिनेकल ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंगमार और आज हम करेंगे एसएससी टीयर वन पेपर कोड 993। मैं आपको रीजनिंग का पोर्शन एक्सप्लेन करूंगा। प्रश्न एक से शुरू करते हैं। प्रश्न एक में विकल्प में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। ईमानदार, सच्चा, ईमानदार और सच्चा, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समानार्थक है। इसी तरह जिद्दी का समानार्थक क्या होगा? जिद्दी का समानार्थक क्या होगा? हठी। विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रश्न दो में एफ जी एच यहाँ क्या होगा? आगे हमें दिया है क्यू आर एस एस यू वी। क्यू 17वें स्थान पर होता है, एस जो है 19वें स्थान पर होता है। यहाँ कितने का गैप है? दो का, दो हमने जोड़ दिए हैं। इसी तरह F 6 स्थान पर, इसमें दो जोड़ेंगे तो यहाँ 8वें स्थान का अक्षर आएगा। 8वें स्थान पर क्या होता है? H। अब H अगर आप देखें तो विकल्प B में है, सॉरी C में है और D में है। उसके बाद R 18वें स्थान पर होता है, U 21वें स्थान पर होता है। यहाँ पर हमने कितना जोड़ा है? 3। तो यहाँ पर G 7वें स्थान पर है, 3 जोड़ेंगे तो 10वें स्थान पर क्या होता है? J, जो विकल्प D में है, ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न तीन में सी डी ई एक्स डब्ल्यू वी। सी 3रे स्थान पर होता है और एक्स 24वें स्थान पर, दोनों का योग बना 27। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत का मतलब ए से हम काउंट करें तो सी 3रे स्थान पर है, जेड से अगर हम काउंट करें तो एक्स 3रे स्थान पर आएगा पीछे से जब हम काउंट करेंगे। इसी तरह डी का विपरीत डब्ल्यू, ई का विपरीत वी। तो यहाँ देखिए क्यू 17वें स्थान पर होता है, इसका विपरीत क्या होगा? जो 10वें स्थान पर, 10वें स्थान पर होता है जे, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न चार में 2, 10, 3 इसके बाद क्या होगा? यहाँ क्या तरीका अपनाया गया है? 2 का घन करके उसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो 8 और 2, 10। इसी तरह 3 का घन करके उसमें 3 ही जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 30। प्रश्न पांच में से हमें इनमें से विषम चुनना है। हठी, जिद्दी और दृढ़, ये तीनों क्या है? समानार्थक शब्द हैं, लेकिन उदार इनका क्या है? विपरीत है, इसलिए ये अलग होगा। प्रश्न छह में पहले दो अक्षरों को भी अगर हम देखें, एक्स और ए, एक्स के बाद वाई जेड, दो अक्षर हमने छोड़ दिए हैं, दो अक्षर यहाँ पे इनके बीच में छोड़े गए हैं, वाई और जेड। फिर आता है ए, यहाँ पे देखें पी के बाद क्यू, उसके बाद आर, यहाँ कितने अक्षर हमने छोड़े हैं? एक छोड़ा है। जे के बाद के, यहाँ भी एक अक्षर छोड़ा है। ए के बाद बी, यहाँ भी एक अक्षर। पहले दो अक्षरों की हम बात करें, सब में एक एक अक्षर छोड़ा है, सिर्फ ए को छोड़ के, इसलिए ये अलग है। प्रश्न सात में यहाँ भी हमें इनमें से विषम का चुनाव करना है। यहाँ देखें पहले और दूसरे अंक की गुणा करें तो तीसरा अंक आ जाता है 4 की 2 की गुना 8। यहाँ देखिए 3 और 2 की गुना करेंगे 6, 1 और 7 की गुना करेंगे तो 7, लेकिन विकल्प ए में ये नहीं हो रहा, इसलिए ये बाकी से अलग हो जाएगा। प्रश्न 8, यहाँ पर भी हमें इनमें से अलग का ही चुनाव करना है। यहाँ देखें पहले में से दूसरा अंक हम घटाएं तो तीसरा अंक हमें मिल जाएगा, 4 में से 1 हम कम करेंगे तो 3, 5 में से 4 हम कम करेंगे तो 1, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए विकल्प सी अलग है। प्रश्न 9 में इस अनुक्रम को हमें पूरा करना है। नंगा पर्वत, कंचनजंगा, माउंट गोडविन ऑस्टिन, ये देखिए ये तीनों क्या है? पहाड़, पर्वत की चोटियां हैं। अब देखिए ये सारी हिमालय पर्वत की चोटियां हैं। अब इनमें से माउंट गोडविन ऑस्टिन वो कंचनजंगा से बड़ी है और कंचनजंगा नंगा पर्वत से बड़ी है। इसके बाद हमें माउंट गोडविन ऑस्टिन से भी बड़ी चोटी का नाम यहाँ लिखना है, क्योंकि हर बार ये ऊंचाई इनकी बढ़ती जा रही, तो इससे बड़ी है माउंट एवरेस्ट। प्रश्न 10 में GHITUVBCD, यहाँ पर हमें बीच में यहाँ बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ जो है आप अगर देखेंगे टी 20वें स्थान पर आता है, उसके बाद बी 2रे स्थान पर आता है, जी 7वें स्थान पर आता है। तो यहाँ जो गैप इनके बीच में बनाया गया है वो इस प्रकार, यहाँ जो अंतर है टी और बी, इसके बीच में कितने का अंतर है? इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 8 का। टी के बाद हम आगे जाएं जेड तक, फिर ए, फिर बी आता है, तो 8 का अंतर यहाँ पर है। यहाँ जी 7वें स्थान पर है, तो यहाँ जो श्रृंखला है वो इस प्रकार है, 6 का, पहले 6 का अंतर है, फिर 7 का, फिर 8 का।
तो ये सातवें स्थान पर है, इसमें छह अगर हम जोड़ेंगे तो तेरहवें स्थान पर आएगा एम, एम के बाद एम तेरहवें स्थान पर है, इसमें सात जोड़ेंगे तो बीसवें स्थान पर आता है टी, इसमें आठ जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा बी। तो एम से हमारी श्रृंखला शुरू होगी, हम देखें तो एम ए विकल्प में ही है, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 11 में देखिए, यहां आपको दिया है वाई जेड डी ई जे, तो यहां पर हम पीछे से अगर हम देखें डी ई ई के बाद यहां कितने अक्षर छोड़े गए हैं जे जे तक, एफ जी एच आई चार अक्षर छोड़े गए हैं, एफ जी एच आई फिर जे आ गया यहां पर। उसके बाद अगर हम यहां देखें वाई जेड, यहां पर जेड और डी के बीच में ए बी सी तीन अक्षर छोड़े गए हैं, तो इसका मतलब यहां कितने छोड़े जाएंगे, दो अक्षर। तो वाई से पहले अगर हम देखें दिए गए विकल्प में तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यू वी, वी के बाद डब्ल्यू एक्स, दो अक्षर हम छोड़ देंगे तो वाई जेड आ जाता है, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 12 में 2 3 7 16 इसके बाद हमें बताना है यहां पर क्या होगा। तो ये जो श्रृंखला है इसमें क्या किया गया है, ये देखिए दो, उसमें अगर हम जोड़े एक का वर्ग तो कितना आएगा, तीन आ जाएगा। उसके बाद तीन में हम जोड़ें फिर दो का वर्ग, तीन में दो का वर्ग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सात आ जाएगा। फिर सात में हम जोड़ेंगे तीन का वर्ग तो कितना आएगा, सोलह आएगा। तो अब सोलह में हम कितना जोड़ेंगे, चार का वर्ग हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर होगा 32। प्रश्न 13 में देखिए 0.52, यहां पर अब देखिए इसके बीच में कितना हमने यहां पर जोड़ा है, 1.5, यहाँ पर फिर से कितना जोड़ा है, 1.5, हर बार हम 1.5 इसमें जोड़ते जा रहे हैं, तो 3.5 में 1.5 हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर 5 उत्तर आ जाएगा, ये हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 14 में, मोहन रितिका जानवी प्रिया और रिया दोस्त हैं, यहाँ दिया है कि जानवी रितिका से तेज है किंतु प्रिया से धीमे है। तो जो जानवी है, जानवी वो रितिका से तो तेज है, जो तेज है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, जो धीमे हैं उनको नीचे। तो जानवी रितिका से तेज है किंतु प्रिया से धीमी है, तो प्रिया से ये नीचे आएगी। अब देखिए मोहन सबसे धीमा दौड़ता है, अब मोहन सबसे धीमा हम मान लेते हैं कि मोहन सबसे नीचे है, मोहन सबसे धीमा दौड़ता है और रिया प्रिया से तेज दौड़ती है, तो रिया जो है वो प्रिया से भी तेज दौड़ती है, इन पांचों में सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज देखिए सबसे तेज कौन दौड़ता है, रिया दौड़ती है जो सबसे ऊपर है। प्रश्न 15 में हमें इनको शब्द कोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो यहां देखिए सबसे पहले इनमें से बी ई बी आई बी ई जी यू बी जी यू एन है यहां पर, तो सबसे पहले आएगा एक नंबर पे जो हमारा शब्द है वो, तो एक तो सब में आगे दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तीन दो और चार, इनमें से हमें कंपैरिजन करना है, यहाँ बी आई है इसमें बी ई है तो दूसरे स्थान पर तीन आएगा, अब तीन यहाँ पर इन दो विकल्प में ही। अब दो और चार के बीच हम देखें तो बी आई जी ओ है, यहाँ पर बी आई जी ए है, तो ये पहले आएगा विकल्प बी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 में एक विशिष्ट कोड भाषा में रेनबो को ये लिखा जाए, स्नैप को ये लिखा जाए, तो पियानो को किस प्रकार हम लिखेंगे, तो यहाँ क्या किया गया है, R के लिए कोड है 1, A के लिए कोड है 9, इसी प्रकार W के लिए कोड है 5, यहाँ भी अगर हम देखें S के लिए कोड है 3 और P के लिए कोड है 0, तो अब हमें बताना है कि पियानो के लिए सही कोड क्या होगा। अब अगर आप विकल्प देखें तो आपको मिलेगा कि पहले तीन अंक सब में समान है, तो आपको पहले तीन जो दिए गए अक्षर हैं इनका कोड पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेम है, सिर्फ N और O का हम कोड पता कर लेते हैं तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए O पीछे से दूसरे स्थान पर है, यहाँ O का कोड है 4, O का कोड 4 है, तो देखिए यहाँ अंत में 4 किस में है, सिर्फ C विकल्प में ही है, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 में कथन आपको दिया हुआ है कि सभी पक्षी वृक्ष हैं, अगर ये कोई घेरा हम पक्षी के लिए बनाते हैं तो सभी पक्षी जो हैं वो कहता है कि ये वृक्ष हैं। उसके बाद कुछ वृक्ष मुर्गियां हैं, इनमें से जो कुछ वृक्ष हैं वो हैं मुर्गियां। अब पहला निष्कर्ष है कि कुछ पक्षी मुर्गियां हैं, पक्षी और मुर्गी का कोई संबंध नहीं दिया हुआ, ये तो हुआ गलत।
दूसरा है कुछ मुर्गियां वृक्ष हैं, तो कुछ वृक्ष मुर्गियां हैं, तो कुछ मुर्गियां वृक्ष हैं, ये तो सही है, हमें कथन में भी दिया हुआ है, तो ये हमारा उत्तर होगा कि कंक्लूजन दो इसका सही है। प्रश्न 18 में यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का घटा, सी का जोड़ और डी का भाग है, तो इस समीकरण का हमें मान बताना है। तो यहाँ समीकरण के अनुसार हम निशान बदलते हैं, 8, बी का अर्थ है घटा 31, सी का अर्थ है जोड़ 49, डी का अर्थ है भाग 7 और ए का अर्थ है गुणा 16। पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 8 घटा 31 जमा 7 गुना 16, उसके बाद हम क्या करते हैं गुना, तो 8 घटा 31 जमा 112। तो यहाँ देखिए इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 89, विकल्प ए। प्रश्न 19 में इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है, तो यहाँ जो श्रृंखला है वो इस प्रकार है, देखिए x y z, उसके बाद z y x, फिर से यही श्रृंखला शुरू हो जाएगी यहाँ तक, इसके बाद फिर से x y z z y x, तो यहाँ पर x y z, यहाँ से z y x, तो हमारा उत्तर क्या होगा, y y y z, तो विकल्प आप देखें सी में ये दिया हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 में राम पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो हम मान लेते हैं कि राम यहाँ से चल रहा और वो 5 किलोमीटर गया पूर्व दिशा में, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, यहाँ से वो बाएं मुड़ा और वो गया 10 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ा है और 5 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर वो दाएं चलता है, अंत में फिर से वो दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर वो आ गया है, तो मूल स्थान से कितना दूर है, देखिए 10 और 10 एक समान है, ये उसका अंतिम स्थान है, ये दूरी 5 है, ये भी 5 है, तो मूल स्थान से कुल दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर, विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 21 में इनमें से हमें विषम को चुनना है, अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों किस में आते हैं, एशिया में आते हैं, ये तीनों किस में है, एशिया में है, लेकिन अमेरिका जो है वो एशिया में नहीं आता है, ये एशियन कंट्री नहीं है, इसलिए ये बाकी से अलग है। 22 में अकरम शाहिद का बेटा है, तो हम अगर यहां बनाए कि अकरम जो है, अकरम किसका बेटा है, शाहिद का, तो शाहिद को हम ऊपर बना देते हैं, शाहिद का ये बेटा है, उसके बाद शाहिद की बहन जूली, शाहिद की बहन है कोई जूली, ये इसकी बहन है, शाहिद की बहन जूली को एक बेटा है जोसिन और एक बेटी याना, इसके एक बेटा है जिसका नाम है जोसिन और इसकी एक बेटी है याना, उसके बाद जेबा जोसिन की माँ, जेबा जोसिन की माँ, जोसिन की माँ कौन है, जूली, जोसिन की माँ की बहन, इसकी बहन कौन है, जेबा, ये दिया हुआ है, याना जेबा से कैसे संबंधित है, तो देखिए ये इसकी बहन है और बहन की बेटी कौन है, याना है, तो याना जेबा से कैसे संबंधित हुई ये हमें बताना था, तो याना उसकी क्या है, भांजी है, किसकी, जेबा की, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 23 में श्रृंखला को पूरा करना है, बीज, अंकुर, पौधा, फूल, तो उसके बाद अगला क्या होता है, फूल के बाद होता है फल, विकल्प बी। प्रश्न 24 में हमें इनको शब्दकोश के अनुसार ही लिखना है, तो यहाँ पर देखें APE, APP, 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 सबसे पहले ये आएगा जो एक नंबर पर है, एक नंबर पर 3 विकल्प में दिए हैं, अब 4, 3 और 2 में हमें देखना है, तो यहाँ पर हम देखें APPL है, यहाँ APPLIA है, यहाँ APPE है, तो इसके बाद क्या आएगा, 4 नंबर का आएगा, ये दूसरे स्थान पर 4 नंबर सिर्फ बी विकल्प में ही है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 में ए का वजन सी से ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, ए का ज्यादा है सी से, सी को हम नीचे लिखेंगे,
और ए का वजन दूसरा सबसे अधिक है, इसका मतलब ए से ऊपर एक और कोई भी है, जो क्योंकि ए से ऊपर कोई एक नंबर पर है, ए दूसरे स्थान पर है। ई का वजन ए से ज्यादा है, तो इसका मतलब ई पहले स्थान पर होगा। बी का वजन डी से ज्यादा है, इनमें से सबसे ज्यादा वजन किसका है? अब बी का वजन जो है, बी का वजन ज्यादा है डी से। अब सबसे ज्यादा वजन, अब ये तो इसने कह दिया कि ये दूसरे स्थान पर और ई उससे भी ज्यादा, तो पहले स्थान पर हमें बताना था, पहले स्थान पर कौन होगा? ई होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो ये था रीजनिंग के बारे में। धन्यवाद।